a big camera. एम्स मैं अगर ये तब्दील हो जाएगा इसका एम्स के लिए 70 एकड़ जमीन चाहिए, एम्स स्तर के लिए 70 एकड़ बराबर ही है, 300 भी है। इतनी में 70 एकड़ में कितने मिला हुई है कि गाँव वाले ज़्यादा बता रहे हैं 420 एकड़ नहीं, एकड़ कितने में यहाँ पे 70 एकड़ जमीन और वहाँ देखिए जो मैंने बताया शर्मा की स्थिति क्या थी, पहले मैं चेक होती है कि वो जो उनको लक्ष्य भी निर्धारित हो गया होगा वृक्षारोपण का, और वृक्ष तो जरूरी है बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोगों ने कोरोना काल देखा है ऑक्सीजन की जो स्थिति थी उस समय, उसको कैसे अधिक से अधिक करें, हर विभाग को योजना बना ले पहले से, 22 तारीख इसका अभियान शुरुआत है, 22 तारीख सहारनपुर में उत्सव के रूप में बनेगा वृक्षारोपण का उत्सव है, गली गली कूचे कूचे मोहल्ले मोहल्ले संस्थान संस्थान ऑफिस ऑफिस ऐसी योजना बनानी चाहिए हर विभाग को। अब कुलपति जी के पास तो बहुत जरूरी है, मियावा की सिस्टम 500 गज के प्लॉट में एकदम जंगल बन जाता है, तो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, तो शिक्षा अधिकारी आए क्या आप, क्या है कितना टारगेट है इसमें, 23,000 ठीक है अच्छा है करवाइए, पौधे लगे भी और सुरक्षित भी है तो संरक्षण हो, इसीलिए महाविद्यालय विश्वविद्यालय की तो बाउंड्री के सारे लग जाएंगे ना, और फलदार लग एक पर दो का महाविद्यालय के इनकम का साधन भी बनेंगे या बच्चों के लिए खाने पीने का साधन बनेंगे, और छाया भी मिले छायादार बनदार। मैं पहले अपने डिपार्टमेंट को डील करता हूँ, उसके लिए तो काफी से बात बात करेंगे, वन विभाग से वन विभाग के कौन है, कितना टारगेट है आपको सबको बांटने का, टोटल पूरे जिले का टारगेट 44 लाख है, वन विभाग लगभग 11 लाख कर रहा है, 44 लाख अगर लग जाए तो सहारनपुर तो जंगल हो जाए, अभी 44 लाख पिछले को छोड़िए होना चाहिए नहीं जंगल में जाना चाहिए, और ये जरूरी है जरा इसको देखिए, सिर्फ गड्ढे खुदते ना रह जाए, तो जैसे क्या सिस्टम है आपके मुझे नहीं मालूम, 3 महीने पहले गड्ढे खोदे जाते हैं ऐसा कुछ है, तो अगर
मैंने जब जहाँ जहाँ वृक्षारोपण किया हाल क्या लगता है उधर मतलब तो मुझे नहीं लगता 3 महीने पहले के वृक्षारोपण के लिए 3 महीने पहले कितने गड्ढे खोदे जाएंगे गड्ढे खुदते और फिर अपने आप बंद हो जाते तभी गए हो आप कहीं गड्ढे खुदते देखे अब फिर जाओ मुझे बुलाओ अगली बार तो मालूम नहीं आप कोई और अधिकारी हो तो बारह अच्छा फिर तो बढ़िया यहाँ बैठो भी जाना चलिए खैर तो वृक्षारोपण अब किस किस विभाग क्या 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 लक्ष्य है क्योंकि बहुत देर हो गई आपको बैठे हुए जल्दी से क्या योजना बनी है कुछ छात्र जुड़े भावनात्मक रूप से क्या सोचा मैंने सर अपने पूरे जनपद को 3 प्रिंसिपल को मैंने पौधे जो जहाँ जहाँ जितने जाने हैं वो भी मैंने पूरा उनको दे दिया है कि इतने इतने पौधे यहाँ इस नर्सरी से आप लोग उठाएंगे और उसमें पूरा मैंने परसों मीटिंग करी थी अपने जितने भी प्रधानाचार्य हमारे राजकीय के भी थे उनकी मीटिंग अपने कार्यालय में करके उनको सभी को अवगत करा दिया है और पूरा हमारा मेरा ये फोकस है सर क्योंकि पेड़ों के प्रति मेरा खुद का भी लगाव है और बचपन से ही पेड़ अपने खेतों वेतों में मैंने लगवाए हैं सर तो इसलिए मैंने उनके छात्रों को भी ये कह दिया है कि प्रत्येक छात्र को अगर आप 50 पेड़ अपने स्कूल में लगा रहे हैं तो उनको नाम से आमंत्रित कर दीजिए ताकि वो बाद में भी उनकी केयर करते रहें ये हुआ शारीरिक लगाव मानसिक रूप से भी उनको ये प्रेरित करने के लिए क्या होके वही खाएंगे उसी में उसको बेचना उतना नहीं ये हम लोगों ने सफल किया था सर 2.5 लाख आंवला लगवाया था पहले और कटहल का कटहल एक ऐसा पेड़ है कि मिड डे मील में उसकी सब्जी और ये सर हम लोगों ने लगाया बताया गया कि आप ही इसको खाएं उसी का इस बार सर हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर 250 स्कूलों की मैंने बैठक बच्चों से लगवाइए परीक्षा का नाम उसके नाम पर रखिए सर जन्म दिवस पर जितने कर दिए जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाना हम सब लोग जितने भी कर्मचारी हैं बच्चे हैं और जिन में कहना चाह रहा था कि कोई लेख आयोजित करें हर विद्यालय लेख लिखो वृक्षारोपण कोई डिबेट कराइए चर्चा कराइए परिचर्चा कराइए उनको पुरस्कृत किए बच्चों एक अलग भाव पैदा होता है ऐसे आप लोग करिए हर महाविद्यालय में रजिस्ट्रार है अपने आप बच्चों की कहीं प्रतियोगिता करा सकती हूँ तो कराइए के साथ ही अपने वृक्षारोपण को भी समझ लिया
चाहिए। 250 लोगों की मैंने प्रिंसिपल्स के साथ बैठक की, इंटर था, उनको योग और कक्षा लोगों से एक साथ रिजल्ट इसका अच्छा आना चाहिए। इसको भी आगे दीजिए और वो संरक्षित भी हो, पल्लवित भी हो, तभी 44 लाख लगेंगे तो उसको 25 लाख मिलेगा। बाकी आप सरप्राइज विजिट ठीक।